हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में ही होने वाला है, और इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है वह बेहद ही भव्य हो रहा है, क्योंकि बता दें कि ICC के टूर्नामेंट में पहली बार होगा कि 20 टीम हिस्सा लेगी किसी टूर्नामेंट में। बेहद ही बड़ा टूर्नामेंट है। इसके अलावा बता दें कि यह टूर्नामेंट जो कि पहली बार USA जैसे देश में भी होने वाला है क्रिकेट। तो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर, कब और कहां और कैसे मुकाबला खेला जाएगा और कौन कौन टीम होगी वर्ल्ड कप 2024 में, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो बात करें T20 वर्ल्ड कप का, तो बता दें कि T20 वर्ल्ड कप प्रत्येक 2 वर्षों पर खेला जाता है। आखिरी बार जब T20 वर्ल्ड कप खेला गया था वह था साल 2022, जो कि वह वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और जीतने वाली टीम थी इंग्लैंड और उप विजेता टीम था पाकिस्तान। और फिर 2024 में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, जो कि USA और वेस्ट इंडीज होस्ट करने वाली है। बता दें कि वेस्ट इंडीज पहले भी वर्ल्ड कप होस्ट कर चुकी है T20 का, लेकिन बता दें कि पहली बार क्रिकेट के इतिहास में ICC का कोई मुकाबला USA में खेला जाएगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इससे भी जो बड़ा बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, वह भी मुकाबला बेहद ही चांसेस है कि वह USA में खेला जाएगा। यहाँ तक खबर है कि टीम इंडिया अपना सभी मुकाबले USA में ही खेलने वाली है, क्योंकि जो भारतीय नागरिक है USA में ज़्यादा है। ऐसे में ICC भी यह चाहती है कि USA में ही भारतीय टीम का मुकाबला खेला जाए। तो वहीं बता दें कि 20 टीम है, उन्हें 4 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा 5-5 टीमों का। वहीं बता दें कि इस ग्रुप में जो टॉप करेगा, टॉप 2 टीम होगा, वह सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा, और उसके बाद वहां पर मुकाबला खेला जाएगा, और फिर टॉप 2 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी प्रत्येक ग्रुप से। इस तरह से कुल 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी और फिर सेमीफाइनल और फाइनल होगा। तो अब बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 कब खेला जाएगा, तो बता दें कि जून के महीने में होने वाला है, 4 जून से और 30 जून तक चलने वाला है। बता दें कि 30 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसमें बता दें कुल 55 मुकाबले होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में, यानी कि बेहद ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि T20 का क्रेज ही अलग है। हम IPL में देख चुके हैं, या फिर 2022 का वर्ल्ड कप भी कमाल के हुआ था, वहाँ पर टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस की थी। फिर से उम्मीद है कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में USA में और वेस्ट इंडीज में जो भी मुकाबला होगा वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसे भी अब कैप्टेंसी के लेकर बात चल रही है कि कौन होगा टीम इंडिया कप्तान वर्ल्ड कप 2024 के लिए। इसमें 2 दावेदार है, एक है हार्दिक पांड्या और एक है रोहित शर्मा। बता दें कि हार्दिक पांड्या इंजरी से परेशान है, ऐसे में रोहित शर्मा फिट भी है और बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे में बेहद ही ज़्यादा चांसेस है कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहे टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। तो अब बात करें कौन कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है, तो बता दें कि USA, वेस्ट इंडीज जो कि ऑलरेडी यह क्वालिफाई कर चुकी है क्योंकि यह दोनों होस्ट कंट्री है, तो इनको इसी तरह से क्वालिफाई करा दिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया भी क्वालिफाई कर चुका है, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पपुआ न्यूगिनी, कनाडा, नेपाल, ओमान, इसके अलावा नामीबिया और जिम्बाब्वे। यह कुछ टीमें हैं जो कि हिस्सा लेने वाली है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 कमाल का होने वाला है। आप कितना एक्साइटेड है इस इतना बड़ा टूर्नामेंट को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।